सो वेलकम टू द क्वीन ऑफ हिल्स, मैं हूँ प्रियांक और आज हम हैं मसूरी में और मेरे पीछे ये है टैक्सी स्टैंड। तो जब आप मसूरी आते हैं तो आपका जर्नी यहीं से स्टार्ट होती है, बेसिकली थोड़ा सा आगे जाके मॉल रोड स्टार्ट हो जाती है। मॉल रोड यहाँ की है वो स्ट्रेच करती है अबाउट 2 किलोमीटर्स। और सो बिहाइंड मी इज़ द पिक्चर पैलेस जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ से आपका मेन मसूरी की जर्नी शुरू होती है, मेन ट्रिप शुरू होती है। बीच बीच में रास्ते में कई जगह ऐसी पड़ेंगी जहाँ पे आपको मतलब आप लाइक स्पॉट्स हैं, एक सनसेट स्पॉट टाइप का पूरा लैंडस्केप मिल जाएंगे। और ये मार्केट थोड़ी इस तरह की है, यहाँ से लाइक स्टार्ट होती है। कपड़ों की शॉप्स हैं यहाँ पे बहुत सारी, कैफेज, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा मैंने जो घूमा, कैफेज काफ़ी सारे हैं। कॉफ़ी अच्छी मिलती है यहाँ पे, इटालियन चीज़ें अच्छी मिलती हैं, बेकरी आइटम्स अच्छे मिलते हैं, तो उस तरह का है थोड़ा। लाइक एक ये कैफे द टैगन, तो इनका मैंने सुना कि इनका जो रेस्टोरेंट है दैट इज़ अबाउट 50 इयर्स ओल्ड, जो ऊपर आप देख रहे हैं। एंड वी हैव आवर फर्स्ट लैंडस्केप जहाँ से आपको दिख सकते हैं मसूरी का, वहाँ पर हम पहुँच गए हैं होटल पैराडाइज कॉन्टिनेंटल के जस्ट बगल में। जस्ट लुक एट दिस लैंडस्केप, वाओ। चलिए अब थोड़ा सा मार्केट में चलते हैं, डाइव इन करते हैं। दिस इज वेयर द मार्केट स्टार्ट्स। वुलन क्लोथ्स हैं, अब विंटर सीजन है तो वुलन क्लोथ्स वगैरह। एक पीछे शॉप थी जहाँ पे नेपाली लाइक पूरा अटायर प्लस क्लोथ सब कुछ मिलते हैं, एक नहीं बहुत सारी मल्टीपल। जस्ट लुक अराउंड, सी हर तरह की कैप्स हैं, सॉक्स हैं, पूरा विंटर कलेक्शन है, सॉक्स हैं, ग्लव्स वगैरह है। सो यप हर चीज़ है। ओके, अमृतसरी छोले कुलचे, ये ऐसे अमृतसरी छोले कुलचे ये वहीं वाले हैं, बंगाली स्वीट्स ऑल्सो। वाओ, यहाँ मैं लौट के आऊँगा। अब यहाँ से हमारी चढ़ाई शुरू होती है। यहाँ पे चढ़ते चढ़ते ही आपको सामने एक शॉप है विच इज़ अ वेरी ओल्ड ऑमलेट शॉप, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये शॉप है। शॉप इज़ कॉल्ड लवली ऑमलेट सेंटर। अभी ये बताइएगा तो अपने शॉप के बारे में, लाइक कितने टाइम से है, कब से आपने स्टार्ट किया है? लाइक फ्रॉम 1918, आई एम फोर्थ जनरेशन हियर। व्हेन यू स्मेल इट, ना ऑयल ना लाइक अंडा या ना ऑमलेट, कोई स्मेल नहीं आ रही है। वाओ, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि मेरी सांस थोड़ी थोड़ी चढ़ रही है, ये नॉर्मल है जब आप चढ़ते हैं, जब आप थोड़ा स्टीप क्लाइंबिंग करते हैं। आई एम नॉट मच ऑफ अ ट्रैकर, इतनी ट्रैकिंग नहीं की है तो ऑब्वियसली इसलिए और है। बट बाय द वे आई जस्ट सी दिस शॉप, कुल्हड़ रबड़ी वाला। हेलो सर। हेलो सर। सर कितनी पुरानी आपकी शॉप है, कितना टाइम हो गया? 15 साल पुराना। हाँ 15 साल। 15 साल हो गए। क्या क्या देते हैं, क्या स्पेशलिटी है आपकी? सर दूध जलेबी, रबड़ी जलेबी, दही जलेबी, पनीर समोसा। इनकी जो जलेबियाँ थी वो क्रिस्प थी, उस तरह से क्रिस्प थी, अच्छी थी, मतलब थोड़ी सी कम मीठी थी। देखिए वैसे भी बहुत ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं होता है, बट स्टिल जो जितना नॉर्मली होना चाहिए उससे भी थोड़ा कम मीठा था। मेरे अपोजिट जहाँ पे मैं खड़ा हूँ एक सनसेट पॉइंट या फिर एक एरिया है जहाँ से आपको पूरा लैंडस्केप मसूरी के नीचे का दिखाई देगा और आपको पता चलेगा कि मसूरी को क्यों कहते हैं द क्वीन ऑफ हिल्स। राइट, जस्ट लुक एट दिस, जस्ट लुक एट दिस, वाओ। ऐसे एक नहीं 10 आपको जगह मिलेंगी और एक बार आप ऐसी जगह आ गए यू फील लाइक यार यहीं बस खड़े रहें, ऐसे ही फील होगा क्योंकि वहाँ कहीं नीचे से आप आते हो, बहुत नीचे से, बहुत लाइक 6000 फीट इज़ द हाइट, ऑल्टीट्यूड है 6000 फीट का। और ये कितना सुंदर तरीके से बसाया गया है, जस्ट टेक अ लुक एट दिस, दिस इज़ अनदर प्लेस, चिक चॉकलेट कैफ़े। सो आई विल गो इनसाइड दिस कैफ़े, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है और क्या इनका स्पेशल है, ये भी चेकआउट करते हैं। आपके यहाँ क्या क्या स्पेशल है, अगर मैं यहाँ से कुछ लेना चाहूँ क्या क्या सबसे स्पेशल चीज़ों में से है? हैंडमेड चॉकलेट्स, कैरमल टॉफीज। एंड हाउ ओल्ड इज दिस प्लेस, कितना कितने साल हो गए?
1945 एंड दे आल्सो हैव ऑल डे ब्रेकफास्ट सैंडविचेस है बर्गर है सिज़लर है पैनकेक्स हैं साइड्स आल्सो तो एक पूरा मेन्यू है कैफे का सैलड्स भी हैं शेक्स भी है ओके सो फाइनली माय सैंडविच इज हियर सिंपल सैंडविच ऊपर बन है अंदर ऑमलेट है ऑमलेट के नीचे अंडर द ऑमलेट यू हैव दिस वेजीज एंड चिकन सो आई एम बैक एट द स्ट्रीट मैं वापस से मॉल रोड पे आ गया हूँ और मुझे सैंडविच भाई बहुत अच्छा लगा इनका नॉर्मल सिंपल चिकन ऑमलेट Just look at these bells. Wow. I think ये throughout the market आप कहीं भी चले जाओ पूरी मार्केट में will keep getting these kind of shops जहाँ पे आप अपने like घर वापस जा रहे हो तो वहाँ के भी gifts लेके जा सकते हैं थोड़ा winter clothes के भी shops हैं लाइन से गारमेंट्स की दुकान है देखिए यहाँ पे प्राइमरली गारमेंट्स की शॉप्स हैं फूड की शॉप्स हैं और थोड़ा ये गिफ्ट शॉप्स जो होती है ना जो थोड़ा थोड़ा कैप्स और कुछ भी आप गिफ्ट अपने घर वालों के लिए लेके जाइए वैसा है एंड आई थिंक दिस फन फॉक्स ओके फन फॉक्स लुक एट दिस तो इस पे बैठ के यू नो क्या होता है फिर आप गिरते गिरते हो थोड़ी देर बाद देन दिस वर्चुअल रियलिटी ओके ये मैंने एक बार ट्राई किया अभी रिसेंटली कोका-कोला का जो फेस्टिवल हुआ था वहाँ पे मैं गया था एंड दिस इज द प्लेस फन फॉक्स लुक्स नाइस आई थिंक थोड़ा गेम्स हैं किड्स के लिए दैट हैमर करना होता है तो किड्स के लिए भी गेम्स हैं हम लोग के लिए भी हैं अभी भी हम लोग बच्चे ही हैं कौन से बहुत बड़े हो गए सबके लिए गेम्स हैं यहाँ पे तो दिस प्लेस इज कॉल्ड कलसांग और कल यहाँ पे मैंने सुक्का खाया था एंड यहाँ से जैसे आप नीचे देखते हो जस्ट लुक एट दिस प्लेस तो जब सन यहाँ पे बीच में कहीं पे आता है सूरज तो सनसेट यहाँ से देखने वाला होता है मैंने यहाँ पे सुक्का खाया था एक मिक्स सुक्का था चिकन मटन दोनों का तो इट वॉज क्वाइट हैवी और ये मतलब दिस इज़ वेरी फेमस प्लेस ये 1970s-80s से हैं बहुत ज़्यादा फेमस है अपने लाइक तिब्बतन फूड थुपका मोमोज इन सब के लिए एपेटाइजर्स हैं नहीं लेने हैं सूप है वेजिटेबल्स हैं सूप इनका मिक्स मीट फैमिली सूप है क्लियर सूप है एग सूप है टमाटो सूप है स्वीट कॉर्न सूप है कलसांग मोमोज में खाना पीना तो हो गया है नाउ लेट्स मूव अहेड और चलते हैं मसूरी मॉल रोड अब एक डाउनवर्ड स्लोप है जहाँ से हम नीचे जा रहे हैं और नीचे जाते जाते आपको पहाड़ दिखने लग जाएंगे यहाँ से तो ये एक और पॉइंट है यहाँ पे थोड़ा सा टी के स्टॉल्स लगते हैं चाय के स्टॉल्स वगैरह लगाते हैं साइड में जहाँ पे आप थोड़ी देर बैठ करके चाय पी सकते हो बेंचेस पड़ी हैं ये मतलब एक व्यू एंजॉय कर सकते हो बेसिकली जस्ट लुक एट दिस एक और पॉइंट है आगे कॉर्नर में बनाया गया जहाँ से आप पिक्चर्स क्लिक करा सकते हैं खड़े होकर के चेक दिस आउट सी अच्छा खासा क्राउड है यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं तो मैं प्लान कर रहा हूँ ऊपर वो ऊपर अगर आपको दिख रहा है वहाँ पे गन पॉइंट है गन पॉइंट इज़ वेरी पॉपुलर कि वहाँ पे व्यू बहुत अच्छा आता है सनसेट है बेसिकली ये आ गया टिकट तो ये आ रही है हमारी केबल कार राइड सो गन हिल पॉइंट इज द सेकेंड हाईएस्ट पॉइंट इन मसूरी तो यहाँ से लाइक सनसेट्स बहुत पॉपुलर हैं एंड यू कैन विजिट जस्ट टेक अ लुक इट विल बी आर राइट नाउ
तो आ गए हैं हम गन हिल पॉइंट पे। सो आप यहाँ पे केबल कार से आ सकते हैं, आप ट्रैक करके आ सकते हैं। ट्रैकिंग ऑल दो आई सपोज थोड़ा सा ऊंचा लंबा दूर का हो जाएगा। ये है सनसेट व्यू पॉइंट। यहाँ पे कुछ चेयर्स वगैरह लगी हुई हैं एंड यहाँ से पूरा व्यू आ रहा है। और ऊपर यहाँ पे एक टेंपल भी है, श्री शनिदेव मंदिर। तो यहाँ मल्टीपल शॉप्स पे मल्टीपल व्यूज हैं। जैसे अब मैं एक और शॉप पे आया हूँ, ये चाय कुल्हड़ मैगी वगैरह की है, बट मुझे अभी खाना नहीं था। और यहाँ से ये व्यू आ रहा है। सो दिस इज द टेलीस्कोप पॉइंट। यहाँ पे टेलीस्कोप्स लगे हुए हैं, अगर आप चाहें यहाँ से पूरे व्यू ले सकते हैं नीचे का, तो उस तरीके का है। पर यहाँ से लिटरली पूरा मसूरी दिख रहा है। सो फाइनली हम लोग केबल कार राइड से नीचे आ गए हैं। और जस्ट नेक्स्ट टू द केबल कार राइड ये हैमर है। इसमें जब आप ऊपर जाते हो पूरा उल्टा हो जाते हो, जिस लुक एट दिस। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं मसूरी लाइब्रेरी, या लाइब्रेरी पॉइंट कहते हैं। एंड मसूरी का अपना थिएटर भी है, मुझे आज पता चला। इट्स कॉल्ड रिट्ज सिनेमास। अभी यहाँ पे लेटेस्ट मूवीज़ भी लगी हुई हैं, तो अगर आपका मन करे मसूरी आके मूवीज़ देखने का, सो यू कैन कम टू दिस पॉइंट ऑल्सो रिट्ज सिनेमास। तो वो जो पीछे वाली बिल्डिंग है, दैट इज़ कॉल्ड द मसूरी लाइब्रेरी। एक काफ़ी पुरानी, इट इज़ 1843 में इस्टेब्लिश हुई थी मसूरी लाइब्रेरी। और ये इतनी पुरानी बिल्डिंग है, और यही सबसे बड़ा मतलब टूरिस्ट अट्रैक्शन अगर आप बोलेंगे मसूरी का, तो सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन यही है। पूरा पुराना आर्किटेक्चर दिखता है जब आप इस बिल्डिंग को देखते हैं, पता चलता है कि हाँ ये एक्चुअली उस ज़माने की है। एंड 1843 इज़ लाइक अ लॉट ऑफ टाइम। यहीं पे मैगी है, यहीं पे बेकरी है, बहुत लाइक ये भी एक अट्रैक्शन है जो पीछे बेकरी आपको दिख रही है। नेक्स्ट टू द बेकरी इज दिस शॉप। ये डिपार्टमेंटल स्टोर है, कुछ कपड़ों की दुकानें हैं। दिस इज स्टूडियो की शॉप है मेरे बगल में, तो यहाँ पे आपको स्टूडियो और वैसे नॉर्मल मुझे लग रहा है काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कपड़े वगैरह हैं। और ये है मैगी पॉइंट, और ये पीछे मेरे ये है मैगी पॉइंट। यहाँ पे आप मैगी भुट्टा वगैरह ये सब ले सकते हैं। तो ये था हमारा मसूरी का सफर। मसूरी की खूबसूरती को हमने करीब से देखा और महसूस किया। ये ट्रिप काफी यादगार रही। और ऐसे और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए सफर खाना के साथ।